अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं आपको बताता चलूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड आवर टूडे टॉपिक इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर फेडरलिज्म। एक ही बात है, फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच, और फेडरलिज्म के हवाले से बात हो रखी है आज। तो फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम इन विच द पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फेडरलिज्म से क्या मुराद है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या मुराद है या फेडरल सिस्टम से क्या मुराद है। फेडरल सिस्टम या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए सिस्टम इन विच पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड। ऐसा निज़ाम हुकूमत या ऐसा सिस्टम जिसमें जो पावर है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली यानी आइन के अतबार से या दस्तूर के अतबार से तकसीम कर दिया जाए, किसके दरमियान, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और चंद जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं या फेडरेटिंग यूनिट्स हैं या वफाकी इकाइयाँ हैं उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाए। तो ऐसा निज़ामी हुकूमत या ऐसा सिस्टम जिसमें जो हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं उनको इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और चंद जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान या चंद कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स जो है उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाए, तो ऐसे सिस्टम को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहा जाता है। और टू ऑपरेट प्रॉपरली फेडरलिज्म नीड्स टू क्लियरली डिफाइन, यानी अगर आप फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जानना चाहते हैं, टू ऑपरेट प्रॉपरली फेडरलिज्म नीड्स टू क्लियरली डिफाइन, कौन सी चीज़ें उसको क्लियर करनी चाहिए। नंबर वन, नेशनल एंड स्टेट्स पावर्स। तो जो फेडरल सिस्टम होता है उसको ऑपरेट करने के लिए या फेडरल सिस्टम को कामयाबी के साथ चलाने के लिए या उसको कायम रखने के लिए क्या ज़रूरी है, नंबर वन नेशनल एंड स्टेट्स पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है नेशनल पावर्स यानी जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर है उनको मेंशन कर दिया जाए, और फिर साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं या जो सूबाई गवर्नमेंट्स होती हैं जो वफाकी इकाइयाँ होती हैं उनके अख्तियारात को भी बयान कर दिया जाए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके अख्तियारात को अलग अलग बयान करना ज़रूरी है। अगर उनके अख्तियारात को अलग अलग बयान नहीं किया जाता तो उससे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको ना तो कायम रखा जा सकता है ना ही उसको चलाया जा सकता है। तो फेडरेशन कायम करने के लिए, फेडरलिज्म कायम करने के लिए या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ और फेडरल सिस्टम को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं उनको इंतजामी बुनियादों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और चंद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाए। नंबर टू पॉइंट है जी, इम्पावर कोर्ट्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। दूसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या जो फेडरलिज्म है या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ के जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है, ख़ास तौर पे जो हाई कोर्ट है, उनको एम्पावर किया जाए, उनको जो है वो बाख्तियार बनाया जाए, और उनके बाख्तियार होने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी हों, अदालतें जो है वो न्यूट्रल हों, अदालतें जो है वो इंडिपेंडेंट भी हों, आज़ाद हों, ख़ुद मुख्तार हों, उनके ऊपर कोई दबाव और कोई प्रेशर ना हो, ताकि वो अख्तियारात की वो जो तकसीम है उसकी सही तरीके से निगरानी कर सकें। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तकसीम कर दिया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आपकी अपेक्स कोर्ट है, जो सबसे बड़ी अदालतें होती हैं, उनको अख्तियारात की इस तकसीम का निगरान यानी मुहाफ़िज़ जो है वो मुकर्रर किया जाए। तीसरी क्या ज़रूरत है जी, इंट्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ द फेडरल लॉ ओवर द स्टेट लॉस। अब देखें कि
जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें पैरेलल दो सिस्टम चल रहे होते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट और चंद जो है वो नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं। तो कुछ अख्तियारात सेंट्रल के पास होंगे, मरकज़ी हुकूमत के पास होते हैं, कुछ अख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास होंगे, लेकिन वफाक को चलाने के लिए और वफाक को कामयाब बनाने के लिए जो कंडीशंस रखी जाती हैं उसमें इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो वफाकी हुकूमत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, उसकी जो है वो बरतरी होगी, उसको उसकी सुप्रीमेसी कायम की जाएगी, उसको सूबों के ऊपर बरतरी हासिल होगी, यानी उसके पास ऐसी पावर्स होंगी जिससे वो सूबों से बरतर हैसियत रखती हो। यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्हें बरतरी नहीं दी जाएगी बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको जो है बरतर हैसियत हासिल होगी और सूबे जो हैं वो निस्बतन कम अख्तियारात के मालिक होंगे। तो ये तीन शर्त हैं किसी भी वफाक को कायम रखने के लिए और किसी भी वफाक को कामयाब बनाने के लिए। नंबर वन, अख्तियारात को सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान तकसीम कर दिए जाए। नंबर टू, एक आज़ाद खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट जो है एक जुडिशरी कायम की जाए, उसके पास इतने अख्तियारात हों कि वो अख्तियारात की उस तकसीम की सही तरीके से लुक आफ्टर कर सके, और अगर कोई गवर्नमेंट है मसलन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सूबाई मामलात में इंटरफेरेंस करती है, या कोई सूबाई गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मामलात में इंटरफेरेंस करती है, तो जो जुडिशरी है उसके पास इतनी पावर्स होनी चाहिए कि वो इस बात को फिक्स कर सके कि कौन सी गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट के मामलात में इंटरफेरेंस कर रही है और उसको वो रोक सके। यानी ये इतनी पावरफुल उसको होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है इंट्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फेडरल लॉ ओवर द स्टेट लॉज। तो अगर किसी मामले के ऊपर है एक तरफ जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी पार्लियामेंट है या कांग्रेस जो है वो कानून बनाती है, दूसरी तरफ कि किसी सूबाई असम्बली की तरफ से कोई कानून बनाया जाता है, तो अगर उनके दरमियान कोई क्लैश हो जाता है तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार दिया गया है कि अगर किसी मामले के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान तसादम हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी जो बरतरी को तस्लीम करेगी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है वो उनकी बरतरी तस्लीम नहीं की जाएगी। तो इससे वफाक को कामयाब बनाने में और वफाक को कायम रखने में और वफाक को कामयाबी के साथ चलाने में जो है वो मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द फेडरलिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नेशनलिस्ट फॉर एडवोकेटिंग ए स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म जो है एक सिस्टम का नाम है, जो लोग फेडरलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं उन लोगों को फेडरलिस्ट कहा जाता है। तो फेडरलिस्ट से मुराद वफाक पसंद है, यानी वो लोग जो वफाक को पसंद करते हैं या वफाकी निज़ाम हुकूमत को पसंद करते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पसंद करते हैं या उसके सपोर्टर्स हैं, दे आर कॉल्ड फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नेशनलिस्ट फॉर एडवोकेटिंग ए स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अख्तियार देखना चाहते हैं, उनको ज़्यादा बाख्तियार देखना चाहते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के मुकाबले में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे जो लोग होंगे उनको हम फेडरलिस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देयर आर 25 फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। द यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री विद ए मॉडर्न फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1789। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है देयर आर 25 फेडरल स्टेट्स, दुनिया के अंदर जो है तकरीबन 25 वफाकी रियासतें हैं, यानी 25 रियासतों में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, या 25 रियासतों को फेडरलिस्ट कहा जा सकता है। और इस हिस्से में दुनिया की जो सबसे पहली फेडरल स्टेट है डेट इज़ यूएसए। यूएसए को यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दुनिया की पहली यानी फर्स्ट एक फेडरल स्टेट या एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की हामर रियासत कहा जाता है। द यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री विद ए मॉडर्न फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1789। तो यूएसए के अंदर जो है ये जो मौजूदा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है इसको 1789 के अंदर जो है यूएसए में अडॉप्ट किया गया था, और यूएसए जो है जब इसको 1789 के अंदर अडॉप्ट किया गया उस वक्त यूएसए जो है वो टोटल 13 रियासतों के ऊपर जो है मुश्तमिल था, लेकिन अब यूएसए की जो रियासतें हैं यानी उसके जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी तादाद बढ़कर जो है वो 50 हो गई है। तो इसलिए यूएसए को दुनिया का पहला
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है और दुनिया का सबसे कामयाब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो आगाज़ में सिर्फ 13 रियासतों पर मुश्तमिल था और आज जो USA है ये 50 वफाकी इकाइयों यानी 50 स्टेट्स पर मुश्तमिल है। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कदीम और सबसे पहला जो फेडरल सिस्टम है उस वाले से USA का नाम जो है USA को सरे फ्रिस्त रखा जाएगा। तो दोबारा इसको देखिए, देयर आर 25 फेडरल कंट्रीज़, द USA वाज द फर्स्ट कंट्री विद ए मॉडर्न फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1789। अदर एग्जांपल्स इंक्लूड मेक्सिको में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, नाइजीरिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, ब्राज़ील में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, जर्मनी में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में, कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में और अर्जेंटीना में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। इसके अलावा ईरान में भी जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है और तुर्किया में भी जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। तो मजमू तौर पे तकरीबन 25 दुनिया की ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या मुराद है, जो अख्तियारात हैं उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और चंद सूबाई गवर्नमेंट्स में तकसीम कर दिया जाए। वो जो चंद गवर्नमेंट्स हैं जो फेडरेटिंग यूनिट्स भी कहलाते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट भी इनको कहते हैं, उनकी तादाद फिक्स नहीं होती। वो तादाद 2 रियासतों पर भी मुश्तमिल हो सकती है और वो 50 रियासतों पर भी मुश्तमिल हो सकती है, यानी उसकी कोई फिक्स तादाद नहीं है कि जो फेडरल स्टेट है वो कम अज़ कम इतने फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल होगी। तो मिनिमम तादाद जो है 2 हो सकती है, यानी कोई रियासत कम अज़ कम 2 सूबों पर मुश्तमिल हो सकती है। जिस तरह पाकिस्तान जो है उसमें 1955 के अंदर जो है जब 1 यूनिट की मंजूरी दी गई तो उस वक्त पाकिस्तान का जो वफाक है वो 2 सूबों पर मुश्तमिल हो गया था, एक का नाम ईस्ट पाकिस्तान था, दूसरे का नाम वेस्ट पाकिस्तान था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच कंट्री डिसाइड्स हाउ मच पावर टू गिव टू दीज फेडरेटिंग यूनिट्स एंड हाउ मच पावर द नेशनल गवर्नमेंट शुड रिटेन। तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है या जो फेडरल स्टेट होती है उसमें बेसिक उसका फीचर क्या है, जो पावर है उसको तकसीम कर दिया जाएगा फेडरेटिंग यूनिट्स में और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें और जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। अब इस बात का फैसला कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि कौन सी पावर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो यूटिलाइज करेगी और कौन सी पावर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो होंगे या फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे वो जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो इस बात का फैसला कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेहतर तौर पे मेंशन कर दिया जाएगा एक एक पावर को कि ये पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और ये पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हैं, और जो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दे दी जाएगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है या जो हाई कोर्ट्स होंगी उनको अख्तियारात की इस तकसीम का निगरान मुकर्रर किया जाएगा, यानी वो इस बात का ख्याल रखेगी कि कोई हुकूमत जो है वो दूसरी हुकूमत के मामलात में कहीं पे इंटरफेरेंस तो नहीं कर रही, और अगर वो कर रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है आला अदलिया जो है उसको ऐसा करने से रोक देगी। तो अख्तियारात की जो तकसीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी। कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और ये पावर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं या वफाकी जो वफाक है वो चंद वफाकी इकाइयों पर मुश्तमिल होता है जिसको हम फेडरेटिंग यूनिट्स कहते हैं। अब ये जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं इनके नाम मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ हो सकते हैं। मसलन जो अमेरिका है, अमेरिका जो वफाक है, अमरीकी वफाक जो है उसकी जो वफाकी इकाइयाँ हैं या फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको स्टेट्स कहा जाता है, यानी अमरीकी वफाक की जो इकाइयाँ हैं दे आर कॉल्ड स्टेट्स, उनको स्टेट्स कहा जाता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनको प्रोविंसेस कहा जाता है, यानी उनको सूबे कहा जाता है। तो इस तरह जो है जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड भी एक वफाक है, तो उसमें जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनके लिए कैंटन की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तो वो कैंटन कहलाते हैं। तो गोया हर वफाक जो है वो चंद वफाकी इकाइयों पर फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है और हर रियासत में उन फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल हो सकती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वफाक के लिए बुनियादी चीज़ है कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और चंद सूबाई गवर्नमेंट्स में कैम होगा
اور اختیارات کی یہ تقسیم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں جو ہے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے جو ہے وہ کی جائے گی. جی نیکسٹ دیکھیے گا, یہ ایک ٹرم ہے کنکرنٹ لسٹ. تو کنکرنٹ لسٹ کیا ہوتی ہے؟ کنکرنٹ پاورز آر دوز وچ آر ایکسرسائز بوتھ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا فیڈریٹنگ یونٹس. یہ اسٹوڈنٹ بہت امپورٹنٹ بات ہے, جو وفاقی نظام حکومت ہوتا ہے اس کی بنیاد اختیارات کی تقسیم کے اوپر رکھی جاتی ہے کہ یہ اختیارات سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں اور یہ اختیارات پروونشل گورنمنٹس کے ہیں. تو جہاں بھی وفاقی نظام حکومت ہوتا ہے تو وفاقی نظام حکومت میں جو اختیارات کی تقسیم ہوگی سینٹرل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹس کے اندر, ان کے لیے اختیارات کی تقسیم کے لیے چار لسٹیں جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں. کتنی لسٹیں تیار کی جاتی ہیں؟ چار لسٹیں جو ہیں وہ تیار کی جائیں گی. اور وہ چار لسٹیں جو ہیں اس میں سے پہلی جو لسٹ ہوتی ہے اس کو فیڈرل لسٹ کہا جاتا ہے یا فیڈرل افیئرس لسٹ کہا جاتا ہے. دوسری لسٹ جو ہوگی اس کو پروونشل لسٹ کہا جاتا ہے یا فیڈریٹنگ یونٹس کی لسٹ کہا جائے گا. تیسری لسٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہیں گے کنکرنٹ لسٹ, اور چوتھی جو ہوتی ہے اس کو ریزیڈنٹ پاورز کی لسٹ کہا جاتا ہے. تو عموماً اختیارات کی تقسیم کے لیے یہ چار لسٹیں جو ہیں تیار کی جاتی ہیں. جو فیڈرل لسٹ ہوگی اس میں جتنے بھی وفاقی اختیارات ہوں گے وہ فیڈرل لسٹ میں بیان کر دی جاتے ہیں. جو پروونشل لسٹ ہوتی ہے اس میں جو پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں, جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں, ان کے اختیارات کو بیان کر دیا جاتا ہے. کچھ اختیارات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر سینٹرل گورنمنٹ کو اور جن کے اوپر صوبائی گورنمنٹس کو دونوں کو قانون سازی کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے. یعنی بوقت ضرورت ان معاملات کے اوپر سینٹرل گورنمنٹ بھی قانون سازی کر سکتی ہے اور ان کے اوپر جو صوبائی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی قانون سازی کر سکتی ہیں یا ان کو وہ ایکسرسائز کر سکتی ہیں. تو ایسی پاورز جو دونوں کے پاس ہوں ان کو کنکرنٹ لسٹ کہا جاتا ہے. اور اردو میں جو ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں متصلہ امور کی فہرست یا متصلہ امور کی لسٹ. تو کنکرنٹ لسٹ جس کو اردو میں متصلہ امور کی لسٹ کہا جاتا ہے, یہ وہ لسٹ ہوتی ہے یا اس لسٹ کے اندر وہ افیئرس شامل ہوتے ہیں جن کے اوپر دونوں حکومتوں کو سینٹرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کو قانون سازی کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور ان کو ایکسرسائز کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. ڈیفینیشن دوبارہ سن لیجیے گا, کنکرنٹ پاورز آر دوز وچ آر ایکسرسائز بوتھ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹس. تو اس کو فیڈرل گورنمنٹ بوقت ضرورت بھی استعمال کر سکتی ہے اور فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تیسری جو دوسری لسٹ ہے وہ ہے فیڈرل پاورز. ان فیڈرل کنٹریز کانسٹیٹیوشنل لا اسپیسیفائز دا پاورز بلانگنگ سولی ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. تو جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا کہ فیڈرل جو لسٹ ہوگی اس میں وہ تمام پاورز مینشن کر دی جائیں گی جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں, اور جو پروونشل پاورز ہوتی ہیں ان کی جو لسٹ ہوگی اس میں وہ تمام پاورز لکھ دی جائیں گی جو پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ان کو ایکسرسائز کر سکتی ہیں. اب یہ طریقہ کار تھوڑا سا ہے مختلف ہے. بعض ممالک کے اندر جو ہے صرف سینٹرل گورنمنٹ کی جو پاورز ہیں وہ لکھی جاتی ہیں, اور سینٹرل گورنمنٹ کے علاوہ باقی جتنی پاورز ہوں گی کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صوبائی گورنمنٹس استعمال کریں گی. اور بعض ممالک کے اندر کیا ہوگا کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں انہیں جو پاورز حاصل ہوتی ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن کر دی جاتی ہیں, یعنی ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ تیار کر دی جاتی ہے, اور ساتھ یہ لکھا جاتا ہے کہ ان پاورز کے علاوہ جو باقی پاورز ہیں وہ ساری کی ساری فیڈرل گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ استعمال کرے گی. تو اس کے مختلف ممالک میں اس کے طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہیں. تو یہ کسی ریاست میں ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے, کسی ریاست میں دوسرا طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن جو بنیادی جو فیچر ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ اختیارات کو تقسیم کر دیا جائے گا ایک سینٹرل گورنمنٹ میں اور چاند جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کے اندر. اب تیسری جو ہمارے پاس لسٹ ہے وہ ہے ریزیڈنٹ پاورز. اب ریزیڈنٹ پاورز کیا ہوتی ہیں؟ ایسی لسٹ, ایسے اختیارات جو سینٹرل جو گورنمنٹ ہے اس کی لسٹ میں شامل نہیں ہوتے, اور ایسے پاور جو صوبائی حکومت کی فہرست میں بھی شامل نہیں ہوتے. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کی پاورز ہیں اور یہ پروونشل گورنمنٹس کی پاور ہیں, اور اس کے علاوہ جو پاورز ایسی ہیں جو مینشن نہیں کی گئیں یا جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو سکتی ہیں چیزیں جو ہیں, تو وہ پاور جو ہیں وہ اگر تو یہ مقصد ہو کہ صوبائی گورنمنٹس جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اٹانومی دی جائے, اندرونی خود مختاری دی جائے, ان کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں, تو پھر وہ جو ریزیڈنٹ پاورز ہوتی ہیں
जो जिसको हम मापकई अख्तियारात कहते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दी जाती हैं। अगर ये मकसद हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अख्तियारात होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है उसकी बढ़तरी कायम होनी चाहिए, तो फिर जो रेजिडेंट पावर्स होती हैं उसमें लिखा जाएगा कि रेजिडेंट पावर्स विल बी यूज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अगर सूबों को दी जाएंगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होगा कि रेजिडेंट पावर्स विल बी यूज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो ये जो है वो ये लिखी हुई नहीं होती, लेकिन वो अख्तियारात होते हैं जिनका फेडरल लिस्ट में और प्रोविंशियल लिस्ट में कहीं भी जिक्र नहीं होता और ना ही कंकरेंट लिस्ट में इनका जिक्र होता है। कंकरेंट लिस्ट होती है वो लिखी हुई होती है और उसमें कहा जाता है कि ये जो अमूर हैं, ये जो 5, 6, 10 जितने भी हो सकते हैं, ये दोनों गवर्नमेंट इस्तेमाल करेंगी, तो वो कंकरेंट लिस्ट हो जाएगी और जो लिखी हुई नहीं होंगी, जो बच जाएंगी, वो रेजिडेंट पावर्स होंगी। लेकिन उसमें मेंशन ही किया जाएगा कि रेजिडेंट पावर जो है हु विल यूज द रेजिडेंट पावर्स। अगर मकसद हो कि सेंट्रल को बरतर हासिल हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट कर दी जाएगी। अगर सूबों को जो है वो जो इंटरनल अटानोमी है वो देना मकसद हो, उनको ज़्यादा अख्तियार देना मकसद हो, तो फिर उनको जो है वो ये अख्तियार जो है वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट है रेजिडेंट पावर्स, तो ये मैंने बता दिया। वैसे एनी एरिया नॉट कवर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी विद इन द स्टेट्स पावर टू मेक लॉज एंड इज कॉल्ड रेजिडेंट पावर्स। यानी यहाँ इसका मतलब ये है कि वो एरियाज या वो पावर्स जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन ना किया जाए और वो जो पावर्स हैं वो सूबों के सुपुर्द कर दी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो पावर सूबों के ही सुपुर्द किए जाएँ या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपुर्द किए जाएँ। तो हर रियासत जो है वो अपने अपने हालात के मुताबिक और अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक चाहे तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपुर्द कर सकती है, चाहे तो उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सुपुर्द भी कर सकती है। नेक्स्ट है जी, ये एक MCQ उसमें शामिल किया गया है रेजिडेंट पावर्स के मतलब। रेजिडियल पावर्स इन ए फेडरेशन आर एक्सरसाइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट, बाय द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर स्टेट गवर्नमेंट्स, और लास्ट है फेडरल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। तो उसमें जो पहला ऑप्शन है फेडरल गवर्नमेंट, ये भी दुरुस्त है। सेकंड ऑप्शन है फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी दुरुस्त है, और स्टेट गवर्नमेंट, ये भी दुरुस्त है। सॉरी, इसमें जो ए और सी दोनों ऑप्शन दुरुस्त हो सकते हैं, इसमें कोई फिक्स ऑप्शन नहीं है। हालात के मुताबिक इनको फेडरल गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर सकती हैं और हालात के मुताबिक ये स्टेट गवर्नमेंट के भी सुपुर्द किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अंडर फेडरलिज्म सिटीजन्स आर सब्जेक्ट टू फेडरल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तीन जो है वो इसके फोल्ड होते हैं, लेवल होते हैं। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें तीन लेवल की गवर्नमेंट स्कैम होती है। फर्स्ट लेवल क्या है, लोकल गवर्नमेंट का लेवल होता है। सेकंड लेवल के ऊपर आपका प्रोविंशियल लेवल का जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कैम होती हैं, और तीसरे लेवल के ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट स्कैम होती है। अब जो उस रियासत के जो शहरी हैं, उसके जो सिटीजन्स हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको एक तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज होती हैं और उनको कुछ वहाँ से राइट्स मिलते हैं। दूसरा, फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी तरफ से भी उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज होंगी, कुछ फ्रेज उनको अदा करने पड़ेंगे और कुछ उनको उनकी तरफ से हकूक़ भी दिए जाएंगे, और उसके बाद फिर उनको लोकल गवर्नमेंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है 3-tier गवर्नमेंट होगी, लोकल, प्रोविंशियल और फेडरल, और जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको तीनों के बनाए हुए जो कवानीन हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ना है। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इस बात का खसूसी इहतमाम किया जाता है कि कोई भी कानून जो फेडरल गवर्नमेंट पास कर देती है, जो नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी वो ऐसा कानून नहीं मंजूर करेंगी जो फेडरल गवर्नमेंट के कानून से मुतसादम हो, और ना ही कोई लोकल गवर्नमेंट है ऐसी कोई कानून साजी जो है वो कर सकती है। तो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉलो करने की पाबंद होती हैं। तो बहरहाल जो सिटीजन्स हैं उनको तीन तरह के जो गवर्नमेंट्स हैं, लोकल, प्रोविंशियल और फेडरल, इनकी तरफ से कुछ सहूलतें भी मिलती हैं और इनकी तरफ से उनको फ्रेज भी जो है वो ऐड जो है होते हैं और उनको अदा करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जेम मेडिसन एंड अलेक्जेंडर हैमिल्टन एडवोकेटेड फॉर ए
federal government in an essay series called the Federalist. तो ये जो अमेरिकन जो है वो हैं लोग हैं जेम्स मेडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो हैं, इन्होंने अमेरिका के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके लिए बात की थी और उसको प्रमोट करने के लिए काम किया, इसलिए इनको फेडरलिस्ट भी कहा जाता है कि ये नेशनलिस्ट थे और फेडरल गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा बाख्तियार देखना चाहते थे। उसमें जेम्स मेडिसन का, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो हैं इसलिए इनको फेडरलिस्ट जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेवन फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो दुनिया में जहाँ भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा उनके यहाँ ये सेवन फीचर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें नंबर वन है, हम मुख्य तौर पे इसका जिक्र करेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, जो आला अदलिया है, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या ओवरऑल जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके लिए ज़रूरी है कि दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको न्यूट्रल होना चाहिए, उनको फेयर होना चाहिए। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम को कायम किए बगैर दुनिया का कोई भी जो फेडरेशन स्टेट है वो कामयाब नहीं हो सकती। अगर आपने एक फेडरल स्टेट को कामयाब बनाना है तो उसके लिए पहली बुनियादी शर्त क्या है कि आपकी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो, उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव ना हो, किसी किस्म का प्रेशर ना हो, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले करने में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मुकदमा पेश हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला करे, कोई अदारा कोई फ़र्ज है वो जजेस को प्रेशराइज़ करके उनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले ना ले सके। अगर अदलिया जो है इस हद तक इंडिपेंडेंट नहीं है और इस हद तक जो है वो ख़ुद मुख्तार नहीं है तो क्या हो जाएगा कि मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ अदारे उस जजेस से ज़बरदस्ती फैसले लेंगे और फेडरेशन जो है वो नाकाम हो जाएगी, फेडरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फेडरेशन को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि जो जुडिशरी है वो उसकी इंडिपेंडेंस जो है उसको जो है वो यकीनी बनाया जाए। नंबर टू है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में वो तमाम रियासतें जो फेडरल स्टेट कहलाती हैं उनके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पावर्स तकसीम की जाती हैं कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और ये पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हैं। लिख दी जाएंगी कि ये पावर लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और ये जो है वो रिटर्न पावर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हैं। क्योंकि अगर लिखी हुई नहीं होगी तो इसमें इबहाम पैदा होगा और सूबों और मरकज़ के दरमियान बार बार जो है तसादम पैदा होगा। सूबे कहेंगे ये हमारे पावर्स हैं और मरकज़ कहेगा ये हमारी पावर्स हैं। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आप बताएं कि कहाँ लिखा हुआ है कि ये आपकी पावर्स हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, जैसा बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो चूंकि वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी रियासत का सिस्टम चलाती है, वहाँ पे सूबे नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से जो है काम चल सकता है। लेकिन जो फेडरेशन है उसके लिए बहुत अहम ये है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी तौर पर रिटन हो। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ना तो फेडरेशन कायम हो सकती है और ना ही फेडरेशन जो है वो कामयाबी के साथ उसको चलाया जा सकता है। नंबर थ्री है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स से मुराद क्या है? तकसीम अख्तियारात। ये सुने एक कन्फ्यूजन भी दूर कीजिएगा। एक टर्म है सेपरेशन ऑफ पावर्स और ये टर्म है जो अभी हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है डिवीजन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का तर्जमा हम करते हैं अलहदगी अख्तियारात, और सेपरेशन ऑफ पावर्स का तल्लक है जो हुकूमत के थ्री आर्गन्स होते हैं जिसे लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है, तो उनके दरमियान जो है कानून बनाने, कानून नाफज करने और इंसाफ करने के जो अख्तियारात हैं वो इन तीनों दारों के दरमियान जो है तकसीम कर दिए जाते हैं। कानून साजी के अख्तियारात लेजिस्लेचर को दिए जाते हैं और कानून नाफज करने के अख्तियारात जो है वो उसको दिए जाएंगे एग्जेक्टिव को, और इंसाफ करने का अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को दे दिए जाएंगे। लेकिन जो डिवीजन ऑफ पावर है, तो डिवीजन ऑफ पावर से मुराद है कि जो हुकूमत करने के जो पावर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फ्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो चंद सूबाई हुकूमतों में और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान वो जो पावर्स हैं उनको तकसीम कर दिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स, तकसीम अख्तियारात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका आगाज ही डिवीजन ऑफ पावर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की देखिएगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, उस्तवार आइन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है
جس میں ترمیم کرنے کا طریقہ کار پچیدہ ہو، مشکل ہو، اور اس میں آسانی سے کوئی ترمیم نہ کی جا سکتی ہو اور نہ ہی کوئی حکومت من مرضی اس میں کر سکتی ہو۔ تو ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے وفاق کو کامیاب بنانے کے لیے۔ دنیا میں ترمیم کرنے کے طریقہ کار کے اعتبار سے امریکی آئین کے اندر ترمیم کرنا سب سے مشکل ہے، اسی لیے امریکی وفاق اتنا بڑا وفاق ہے، 50 اکائیوں پر مشتمل وفاق ہے، اور امریکی وفاق جو ہے وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ جو ہے امریکی کانسٹیٹیوشن کا ریجڈ ہونا ہے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، غیر لچکدار آئین ہے، اس میں ترمیم کرنے کا طریقہ کار انتہائی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے جو 1789 کے اندر جو ہے امریکن فیڈریشن کی بنیاد رکھی گئی، اور آج جو ہے 2024 چل رہا ہے، اور اس دور کے اندر جو ہے امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر اب تک صرف 27 امینڈمنٹس جو ہیں ہو چکی ہیں۔ تو اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود امریکن آئین میں صرف 27 امینڈمنٹ ہوئی ہیں، اور امریکن کانسٹیٹیوشن کیا ہے، 7 آرٹیکل پر مشتمل ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اتنی کم ترمیم اس لیے ہوئی ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ترمیم کرنا اتنا مشکل ہے کہ ایک دور حکومت کے اندر کسی ایک پریزیڈنٹ کے دور میں کوئی ایک امینڈمنٹ شروع ہوتی تھی، اور وہ اگلے پریزیڈنٹ کے دور میں جا کر جو ہے اس کا پروسیس مکمل ہوتا تھا، لیکن پھر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم کر دی اور کہا کہ جس پریزیڈنٹ کے دور میں کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کے لیے جو موومنٹ پیش کی جائے گی، اگر اسی پریزیڈنٹ کے دور میں کامیاب نہیں ہوتی تو وہ موومنٹ جو ہے ختم ہو جائے گی، پھر نئے سرے سے اس کو پیش کرنا ہوگا۔ تو کانسٹیٹیوشن کا ریجڈ ہونا جو ہے وفاق کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن فلیکسیبل ہوگا تو وفاق زیادہ دیر تک کامیابی سے نہیں چل سکے گا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کا نیکسٹ ففتھ بنیادی فیچر ہے، وہ ہے بائی کیمرل لیجسلیچر۔ تو جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں جو لیجسلیچر ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بائی کیمرل ہو، اور بائی کیمرل لیجسلیچر سے مراد ایسی لیجسلیچر ہوتی ہے جس کے ٹو ہاؤسز ہوتے ہیں، ایک لوور ہاؤس ہوتا ہے، ایک اپر ہاؤس ہوتا ہے۔ جو لوور ہاؤس ہوتا ہے وہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس میں صوبوں کو آبادی کے اعتبار سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ جو اپر ہاؤس ہوتا ہے وہ وفاقی اکائیوں یعنی صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس میں صوبوں کو جو ہے برابری کی بنیاد کے اوپر، ایکول بیسس کے اوپر جو ہے نمائندگی دی جاتی ہے۔ کسی صوبے کی آبادی کم ہو یا زیادہ ہو، جو اپر ہاؤس ہے اس میں سب کی نشستیں برابر ہوں گی، اور جو لوور ہاؤس ہے اس میں جو آبادی کے مطابق نمائندگی دی جائے گی، کم آبادی والی ریاست کی کم اور زیادہ آبادی والی ریاست کی زیادہ سیٹیں ہوں گی۔ جیسا کہ امریکن کانگریس جو ہے اس کا جو لوور ہاؤس ہے اسے ہاؤس آف ریپریزنٹیو کہا جاتا ہے، اور اس میں امریکہ کی جو 50 ریاستیں ہیں ہر ریاست کو اس کی آبادی کے مطابق نمائندگی دی جائے گی۔ جس ریاست کی آبادی کم ہے اس کی نمائندگی بھی کم ہے، اور جس کی آبادی زیادہ ہے اس کی ہاؤس آف ریپریزنٹیوز میں نشستیں بھی زیادہ ہوں گی۔ دوسری طرف امریکہ کا جو اپر ہاؤس ہے وہ سینٹ ہے، اور سینٹ میں تمام ریاستوں کو جو ہے برابر نمائندگی دی جاتی ہے، ہر ریاست کی دو نشستیں ہیں سینٹ کے اندر، کسی کی آبادی کم ہے یا زیادہ ہے سینٹ کے اندر اس کی دو نشستیں ہیں، اور اس کی چونکہ 50 ریاستیں ہیں تو سینٹ کی کل تعداد جو ہے وہ 100 بن جاتی ہے۔ تو بائی کیمرل لیجسلیچر کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے ڈفرینٹ لیولس آف گورنمنٹ۔ جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس میں دو لیول آف گورنمنٹ تو لازمی طور پہ ہوں گے، ایک پروونشل اور دوسرا سینٹر گورنمنٹ، لیکن جو ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں وہاں پہ جو ہے 3 لیول آف گورنمنٹ قائم ہوتے ہیں، ایک لوکل لیول کا، اور لوکل لیول کے بعد دوسرا پروونشل لیول کا، اور تیسرا سینٹر لیول کا۔ تو 3 لیول آف گورنمنٹ جو ہیں وہ ایک فیڈرل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ قائم ہوں گے۔ اور لاسٹ اس میں پوائنٹ ہے ڈیول سٹیزن شپ۔ بعض فیڈرل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ سنگل سٹیزن شپ کا رول پایا جاتا ہے، اور بعض میں ڈیول پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں، انڈیا میں سنگل سٹیزن شپ پائی جاتی ہے، جبکہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ڈیول سٹیزن شپ ہے، یعنی امریکن سینٹر گورنمنٹ کو بھی کسی شخص کو سٹیزن شپ دینے کا اختیار حاصل ہے، اور کسی کی سٹیزن شپ کو منسوخ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح جو امریکن اسٹیٹس ہیں ان کو جو ہے شہریت دینے کا بھی حق حاصل ہے، اور ان کو وہ کسی شخص کی شہریت کو منسوخ کر سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر صرف سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیزن شپ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتی ہے، صوبوں کو جو ہے کسی شخص کو سٹیزن شپ دینے یا نہ دینے کا اختیار جو ہے صوبوں کو حاصل نہیں ہے۔
البتہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے. امریکن سسٹم کے اندر جو ہے وہ صوبوں کو یعنی امریکن سٹیٹس کو اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ دونوں کو جو ہے سٹیزن شپ دینے یا ان کی منسوخ کرنے کا اختیار حاصل ہے. تو دیز آر دا 7 فیچرز آف فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو جو ہے وہ ہمیں آپ کی طرف ملتی رہیں گی. تھینکس فار واچنگ می یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.